Greetings to all. This is Deepika back from Randeep Classes, bringing to you a lesson from 6th standard book, that is A Pact with Sun. The topic today that we are going to cover is a chapter that's named the Whole Cloth Shop. Let's read the story. It's a Christmas Eve and closing times for shop. Ray's Whole Cloth Shop is still open. Two shoppers call at this late hour. स्टोरी के हमें पढ़ने से पता लगता है कि क्रिसमस ईव का टाइम है. क्रिसमस ईव क्या होती क्या है, द नाइट बिफोर क्रिसमस एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स क्या होता है, दुकान बंद करने का समय कि क्रिसमस से पहले की शाम होती है और दुकान बंद करने का टाइम हो चुका होता है. जो रेज नाम रेज की जो ओल्ड क्लॉक शॉप है वो अभी तक खुली होती है और इस टाइम जो दो शॉपर्स होते हैं, दो कस्टमर होते हैं, वो देर रात समय आवाज़ देते हैं. अब पढ़ते हैं स्टोरी. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. क्रिसमस ईव आ गई थी और लास्ट मोमेंट पर आने वाले जो शॉपर्स थे, जो कस्टमर थे, वो घर जा रहे थे और एक बर्फ़ की मोटी चादर यूएसए की सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर छाई हुई थी. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. फिर भी पुरानी घड़ियों की जो दुकान थी उसकी लाइटें अभी भी जली हुई थी. रे जो उसका उस दुकान का बूढ़ा मालिक होता है और वो बहरा भी होता है, उस टाइम दीवार की घड़ी को ठीक कर रहा होता है जो जिसे उसने उसी दिन बेचा था. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपने काम को फिनिश करने के बाद रे खड़ा हुआ और अपनी शॉप के पीछे वाले कमरे की तरफ वो चलने लगा. तभी सामने वाले दरवाजे से उसकी तरफ हवा का एक ठंडा झोंका आया जो कि उसकी गर्दन पर लगा. He turned to meet a last minute shopper but his old voice eyes told him that this was not a shopper. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. The younger man remained the door. लास्ट मिनट शॉपर क्या है, बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट पर शॉपिंग करने के लिए आता है, यानी कि द शॉप्स आर अबाउट टू क्लोज, जबकि जो शॉप्स होती है वो बंद होने ही वाली होती हैं और उसी टाइम कोई शॉपर आ जाता है, यानी कि कोई कस्टमर आ जाता है ख़रीदारी करने के लिए. उसी समय उस आखिरी मिनट पर आने वाले कस्टमर से मिलने के लिए वो पीछे मुड़ा, लेकिन जो उसकी बूढ़ी आंखें थी, उसकी बुद्धिमान दृष्टि ने उसे समझाया कि दीज आर नॉट अ शॉपर्स, कि वो शॉपर्स नहीं थे. उसने दो आदमियों को देखा, जो कि एक आदमी था वो 20s के अराउंड था और जो दूसरा था वो 50 के. The older man approached the counter with no signs of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. काउंटर पर जो व्यक्ति पहुँचे थे उनकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस यानी कि मैत्रीपूर्ण भाव नहीं था और जो रे था उसने अपने पेन और नोटपैड को आगे सरकाते हुए वो अपने बैग को छुपाने की कोशिश कर रहा था. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस दैट पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. उसने यानी कि रे ने बड़े अनजाने तरीके से उन लोगों की तरफ स्माइल की और अपने कानों की तरफ इशारा किया और उसने सर को हिलाया. ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. उस नोट पैड को पढ़ते ही उस व्यक्ति का जो चेहरा था वो बदल गया. फिर वो पीछे की ओर मुड़ता है और अपने फ्रेंड को कुछ कहता है. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट. रे ने उस अवसर का लाभ उठाते हुए उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और उसने देखा कि उसकी पॉकेट में क्या है, एक बंदूक की आकृति जैसा, बंदूक की शेप जैसा कुछ था. फिर उसने उस व्यक्ति की राइट हैंड की जेब में उसके बेचैन हाथ को देखा. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस डेट सेट बी
स्टिल उसके उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो उसकी इनर वॉइस थी, अंतरात्मा ने उसको शांत रहने के लिए कहा। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, उसने नोट पैड पर यह बात लिखी थी कि मैं क्या, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। फर्स्ट टाइम उस बड़ी उम्र वाले व्यक्ति ने रे की तरफ देखा था और वह मुस्कुराने लगा। उसकी जो मुस्कुराहट थी वो मजाक उड़ाने वाले जैसी थी। अब वो दोनों इस बात को समझ चुके थे कि क्यों उसका जो फ्रेंड है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वे उस प्रकार के इंसान की तरह दिखाई दे रहे थे जिनकी जो किस्मत थी वो ख़राब थी और जो कुछ ऐसा करने के लिए रेडी थे शायद जिसके लिए उनको बाद में पछताना पड़े। द क्लॉक टिक्ड ऑन। रे कामली रोट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। जो उस टाइम टिक का मीन्स होता है टिक टिक करना, घड़ियां लगातार चल रही थी और रे ने एक दूसरा मैसेज नोटपैड पर लिखा था कि क्या आप कोई भी वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच लेने के लिए आए हो, यानी कोई दीवार घड़ी या कलाई घड़ी लेने के लिए आए हो। तो जो शॉपर होता है वो उस लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जो कि लटकने वाली दीवार घड़ियों और जेब घड़ियों से भरा पड़ा था। ही वॉज नॉट ए पाउन ब्रेकर, यहाँ पर पाउन ब्रेकर का मीन्स होता सॉरी ब्रोकर, गिरवी रखकर उधार देने वाला। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचिज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। ही लॉन्ट मोर देन ही शुड, दे वुड बी देयर वेन द ओनर्स वॉन्टेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। वो कोई साहूकार या गिरवी रखकर पैसे देने वालों में से नहीं था। वह केवल उन नीडी लोगों को ना नहीं कर सकता था जो अपनी पुरानी घड़ियाँ रखकर उससे बदले में कुछ पैसे लेने के लिए आते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना उसे उधार देना चाहिए था वह उतना लोगों को उधार दिया करता था। वे घड़ियाँ भी उसी समय लौटा दी जाती थी जब उनके मालिक उन्हें वापस लेने आते थे और वो भी सेम प्राइस पर बिना किसी ब्याज के। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। तब उस एल्डर पर्सन को थोड़ी सी राहत मिली, फिर उसने अपने जेब से अपना हाथ निकाला और जल्दी से अपनी जो कलाई पर घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ देखा और उस आदमी ने लिखा कि तुम मुझे इस घड़ी के बदलों में कितनी कीमत देंगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। रे को अपनी तरफ देखते हुए भूरी आंखों में थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। वो वॉच ना तो ज़्यादा स्पेशल थी और ना वो अधिक ज़्यादा चलने वाली थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन। वो एक्सचेंज करने योग्य कोई चीज़ थी और एक बुरी सिचुएशन से निकलने का कोई साधन थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। तब रे को जाकर रियलाइज होता है कि कोई बड़ी ही मजबूरी इस व्यक्ति को इस शॉप पर लेकर आई होगी और उससे वो पूछता है कि तुम्हें इसके बदले में कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ। तो रिप्लाइज के बदले में आता है कि जो कुछ भी इसके बदले में लायक हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बुक, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। रे अपने कैश बुक के पास पहुंचता है और उसमें से एक $50 का नोट निकालता है और उस व्यक्ति के हाथ में थमा देता है। एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आई, दे सीम टू से थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉज नॉट वर्थ दैट मच। जब वे दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो रे ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा था जो उसको धन्यवाद कह रही थी। वह दोनों जानते थे इस घड़ी की कीमत इतनी नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक अप इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। वहाँ चलने से पहले उस व्यक्ति ने कागज़ पर लिखा था कि जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं इस घड़ी को वापस लेने के लिए आऊँगा, मैरी क्रिसमस। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर।
स्ट्राइकिंग का मीन्स होता है बजना। ये छोटी सी कहानी सभी घड़ियों के एक साथ बजने के साथ ही उस आधे घंटे में समाप्त हो गई थी। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रिंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग्स डैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। वे सारी की सारी घड़ियाँ जो उस टाइम सारा के सारे सीन को बड़े शांति से देख रही थी वो एक साथ ऐसे बजी कि रे भी यह सोचने लगा कि वह उनको सुन सकता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेजेस वॉज फिल्ड विद होप द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुड विल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। उन घड़ियों का वो म्यूजिकल मैसेज होप से फुलफिल था, यानी कि आशा से भरा हुआ था। पृथ्वी पर शांति, सभी के प्रति सद्भाव, यही संदेश उन तीनों व्यक्तियों ने फील किया था जो पुरानी घड़ियों की दुकान में खड़े थे। आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।